तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मेटालिक फ्रेम्स के बारे में, जो कि आपको मेटल और नॉन मेटल फ्रेम में क्या डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं इसके बारे में भी हम साइड बाय साइड बात कर लेंगे। मेटालिक फ्रेम्स की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं एक फुल रिम मेटालिक फ्रेम है जो आपको डबल ब्रिज में आपको देखने को मिलता है। यही नॉन मेटल की बात करेंगे तो आपको ये देख सकते हैं इसमें भी डबल ब्रिज और सिंगल ब्रिज दोनों आपको देखने को मिलते हैं। वेट की बात करेंगे तो दोनों ही काफी लाइट वेट आपको देखने को मिलते हैं। इसमें आपको एडजस्टेबल नोज पैड भी आपको देखने को मिलते हैं। इसमें आपको एडजस्टेबल नोज पैड होने से आपको ये बेनिफिट मिलता है कि आप अपने नोज के हिसाब से इसकी थिकनेस को आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और इसका नेगेटिव पॉइंट भी यही होता है कि नोज पैड से बहुत लोगों को एलर्जी होती है, तो इन्हें नोज पे आपको निशान देखने को मिलेंगे क्योंकि इनकी बहुत बार अलाइनमेंट बिगड़ जाती है, तो एक साइड या दोनों साइड आपको गहरे निशान बना देते हैं नाक पे। नॉन मेटेलिक फ्रेम की बात करेंगे तो ये भी काफी लाइट वेट होते हैं आपको फ्रेम देखने के लिए। और बाकी इसमें फिक्स्ड पैड आपको देखने को मिलता है जो कि कहीं से भी आपको इरिटेशन वगैरह या अलाइनमेंट वगैरह इसकी बिगड़ने की कोई चांसेस नहीं रहती है, इसीलिए ये नोज पे कभी भी दाग नहीं बनाता है। लेकिन साइड बाय साइड हम कंपेयर करेंगे तो आप देख सकते हैं मेटालिक फ्रेम इसकी कंपैरिजन बहुत ही आपको स्लिम देखने को मिलता है। बता देते हैं ये देख सकते हैं मेटालिक फ्रेम में कुछ आपको इस टाइप का लुक आपको देखने को मिलेगा जो कि बहुत ही स्लिम होता है। अगर नॉन मेटल से हम अगर कंपेयर करें तो थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा आपको बॉर्डर आपको देखने को मिलता है, थोड़ा सा साइड से आपको देख सकते हैं उसके मेटालिक के कंपैरिजन में ये थोड़ा थिक देखने को मिलेगा। अगर मेटल फ्रेम में आपको नोज पैड आपको फिक्स्ड वाले ऑप्शन चाहिए तो वो भी आपको अवेलेबल हो जाते हैं, जो कि इसमें भी आपको फिक्स्ड पैड आपको लगे हुए बहुत सारे फ्रेम में आपको देखने को मिलेंगे। पहनने में वो बहुत ज्यादा ही कम्फर्ट होगा और आपको कहीं से भी उसमें निशान नहीं पड़ते हैं नाक पे। तो सबसे पहले हम फ्रेम का अनबॉक्सिंग कर लेंगे और नॉर्मल फ्रेम से ये कैसे डिफरेंट है इसके बारे में भी आपको हम बताएंगे। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं एक फुल्ली मेटालिक फ्रेम आपको देखने को मिलता है जिसके नोज पैड जो आपको फुल्ली फिक्स्ड आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आपको कहीं से भी इरिटेशन व या नाक पे दाग वगैरह की संभावना बिल्कुल भी नहीं रहती है। और इसकी कलर की बात करेंगे तो ये आपको एक गन मेटल कलर में आपको देखने को मिलता है, जो कि आपको इस पर कोई पेंटेड नहीं होता, ये कलर भी इसका फेड आपको नहीं होगा। इसमें जो हम आई ग्लासेस यूज़ करने वाले हैं वो आपको ब्लू कट ब्लू कोटिंग में आपको यूज़ करने वाले हैं, जो कि एक प्रीमियम लेंसेज होता है। इसकी हम सबसे पहले पावर एक्यूरेसी को चेक कर लेते हैं, जिसमें हम पावर वाले आई ग्लासेस लगाने वाले हैं, उसकी पावर एक्यूरेट है कि नहीं। उसके बाद हम इसके डेमो ग्लास को रिमूव करके उसके बाद हम पावर वाले आई ग्लासेस पे हम इसकी मार्किंग करके इसको कटिंग कर लेंगे और प्रॉपर फ्रेम में सेट करने का प्रोसेस शुरू करेंगे। ब्लू कट लेंस में आपको बहुत सारी कोटिंग आपको देखने को मिलती है, उसमें आपको ग्रीन कोटिंग देखने को मिलेगा, आपको पर्पल कोटिंग देखने को मिलेगा, आपको ब्लू कोटिंग देखने को मिलता है। बहुत सारी कंपनी के हिसाब से भी वो अपने कोटिंग के कलर को कस्टमाइज करवाते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि डेमो के अकॉर्डिंग हमने पावर वाले आई ग्लासेस पे मार्किंग का काम कंप्लीट कर लिया है। अब हम बात करेंगे इस फ्रेम की, तो इसमें फिक्स्ड आपको नोज पैड आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप एडजस्टेबल नोज पैड से मेटालिक फ्रेम को कंपेयर करेंगे तो ये बहुत ही ज्यादा आपको कंफर्टेबल देखने को मिलता है, अगर उसके कंपेरिजन अगर देखेंगे तो। अब हमने पावर वाले आई ग्लासेस को देख सकते हैं कि हमने प्रॉपर कटिंग कर लिया और फ्रेम का बिल्कुल शेप दे दिया है। इसमें बस एजिंग का काम कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हमारे पावर वाले आई ग्लासेस रेडी हो जाएंगे। उसके बाद हम इसका कंप्लीट लुक आपको दिखाएंगे और इसके ब्लू प्रोटेक्शन को हम चेक करके बताएंगे कि प्रॉपर ब्लू कट लेंसेस को चेक करने का प्रोसेस क्या रहता है। यहाँ पे देख सकते हैं हमारा फ्रेम बिल्कुल ही रेडी हो गया है। आपको देख सकते हैं इसमें प्रीमियम कोटिंग के आपको रिफ्लेक्शन आपको नजर आ रही होगी। इसके हम प्रॉपर ब्लू कट को आपको चेक करके बताएंगे कैसे, आप देख सकते हैं कि इसमें हमें प्रोटेक्शन कितना मिल रहा है। उसके लिए हमें एक ब्लू कट टेस्टर का यूज़ करना पड़ता है, जिसका वाइट सरफेस जो है जैसे ही ब्लू लाइट के कॉन्टैक्ट में आएगा उसका कलर जो है रिएक्ट करके चेंज हो जाता है। और जो लेंस से कवर्ड पार्ट है टेस्टर का, उसमें आपको कोई भी आपको इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। जो अनकवर्ड पार्ट है आई ग्लासेस से उसमें आप देख सकते हैं कि कितना आपको चेंजिंग आपको देखने को मिल रहा है। सेम प्रोसेस से हम दोनों आई ग्लासेस को चेक करके आपको दिखा देंगे। उसके बाद हम इसके नोज पैड की अगर बात करेंगे तो आप इसे टाइम टू टाइम आप चेंज भी कर सकते हैं जब भी ये खराब हो जाएंगे। तो मैक्सिमम लोगों को लगता है कि नोज पैड अलग से नहीं आते हैं, ये अलग से बिल्कुल आते हैं। आप इसे टाइम टू टाइम चेंज करवा सकते हैं, चाहे आपके फिक्स नोज पैड हो या फिर आपके इस तरह से एडजस्टेबल नोज पैड हो। जब भी ये ख़राब हो जाते हैं तब भी ज़्यादा इरिटेशन करते हैं नाक पर, ताकि आप एक कंफर्टेबल और बहुत आरामदेह आपको अगर इसको यूज़ करना चाहते हैं तो इसे टाइम टू टाइम जब भी ये ख़राब हो जाए तो इसे आप नया इंस्टॉल करवा सकते हैं, ताकि ये पहनने में हमेशा आपको कंफर्टेबल दे। आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।